Hello kids, good morning. Today we will do prayer. Now join your hands, close your eyes, start now prayer. Dear God, please keep me happy today. Help me to be bright, cheerful and gay. Help me to do the things you want me to be to others kind and good, my parents, teachers and friends to bless and keep us all in happiness, and keep us all in happiness, and keep us all in happiness. Now open your maths part 1 textbook, ascending order 1. Write the given numbers in ascending order. Write the given numbers in ascending order. आज हम क्या सीखेंगे? Ascending order. Ascending order means क्या होता है? Small to big numbers means छोटे से बड़ा number. अभी हम असेंडिंग ऑर्डर सीख रहे हैं, तो आप असेंडिंग ऑर्डर काउंटिंग करके भी कर सकते हो, पर आगे आपको ओनली नंबर्स देख के करना है. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है? स्मॉल टू बिग. तो यहाँ पे 9, 7, 8 दिया है ना, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 7. तो आप क्या लिखेंगे? 7. उसके बाद कौन सा नंबर आता है? 8. तो हम क्या लिखेंगे? 8. और उसके बाद बिग नंबर 8 के बाद कौन सा नंबर आता है? 9. यह आप काउंटिंग करके भी कर सकते हो. तो कैसे काउंटिंग करेंगे? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो यहाँ पे हमने 7 लिखा, फिर यहाँ पे 8 डॉट से, इसलिए हमने यहाँ पे 8 लिखा है, और यहाँ पे 9 डॉट से, तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा? 9 आएगा. फिर यहाँ पे फ्लावर्स की पिक्चर है ना, तो फर्स्ट हम काउंट करेंगे. यहाँ पे पहले कौन सा नंबर दिया है? 4, 6, 5. उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो 1, 2, 3, 4. तो यह 4 है ना, तो पहले हम 4 लिखेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. फिर हम कौन सा नंबर लिखेंगे? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे. फिर 8, 6, 7. तो यहाँ पे यह 3 नंबर दिए हैं. तो अभी तो आप काउंटिंग करके लिख सकते हो, तो पहले हम काउंटिंग करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो यहाँ पे 7 बीट्स है, तो हम 7 लिखेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो यहाँ पे 8 बीट्स है, तो हम 8 लिखेंगे. फिर 9, 8, 10. यहाँ पे यह 3 नंबर दिए हैं ना, तो पहले कौन सा नंबर लिखेंगे? स्मॉल टू बिग होता है, तो इन 3 में से पहले हम कौन सा नंबर बोलते हैं? यह 3 में से हम 8 नंबर बोलते हैं, तो हम 8 लिखेंगे. फिर भी एक बार हम काउंटिंग कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आया ना 8, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे. फिर यहाँ पे कितने लीव्स है वह काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो यहाँ पे 9 है, तो हम 8 के बाद 9 लिखेंगे. फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो लास्ट में हम कौन सा नंबर लिखेंगे? 10. तो हुआ ना स्मॉल टू बिग, यह 8 स्मॉल है और 10 बिग है. फिर यहाँ पे डैश की पिक्चर है ना, तो फर्स्ट डैश में कितने डॉट्स है? 1. यह 1 डॉट है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे. फिर दूसरे डैश में
डॉट्स कितने हैं? 1, 2। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, है ना 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है। फिर 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 है, तो हम तीसरे बॉक्स में 3 लिखेंगे। तो इस तरह से आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है।